आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा में आज NMCI छात्र संगठन के द्वारा महंगाई के विरोध में कॉलेज चौराहे में धरना दिया गया है। धरने पर बैठे छात्रों ने महंगाई के विरोध में नारेबाजी की, साथ ही सरकार को चेतावनी दी है कि यदि महंगाई कम नहीं हुई तो छात्र संगठन उग्र आंदोलन करेगा। धरने के दौरान TRS कॉलेज अध्यक्ष ने कहा कि रसोई गैस से लेकर डीजल पेट्रोल सहित खाद्य सामग्री के दाम बढ़ने से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। NMCI ने चेतावनी दी है कि समय से यदि दाम कम नहीं किए गए तो आने वाले समय में छात्र सड़क पर उग्र आंदोलन करेंगे। हम लोग NMCI के कार्यकर्ता यहाँ धरने में बैठे हुए हैं, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश सरकार शिवराज सिंह की जो लगातार महंगाई बढ़ रही है, आम जनता का जीवन एकदम से कठिन हो गया है जीना। लगातार जो पेट्रोल डीजल दाम 60-70 रुपए मिलता था कांग्रेस सरकार में, आज की सरकार 120 रुपए बेच रही। जो स्मृति ईरानी रोड में धरने में बैठा करती थी 50 रुपए के डीजल को, आज उनका पता नहीं है। नरेंद्र मोदी सिर्फ मन की बात करने को तैयार है, जनता की बात कोई सुनने को तैयार नहीं। आज गैस सिलेंडर 1000 रुपए चल रहा है, लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, इस पर कोई भी जनप्रतिनिधि सामने आके बात करने को जनता की तैयार नहीं है। लगातार हम लोग बैठे हैं धरने में आज इसके महंगाई के विरोध में, और चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई जनप्रतिनिधि सामने आए और इस पर बोले। हम लोग आज बैठे हैं और बैठे रहेंगे, तो तब तक बैठेंगे हम लोग आज शाम तक बैठेंगे। अगर आगे नहीं होता है तो हम लोग घेराव भी करेंगे। क्या नाम आपका? नाम पंकज उपाध्याय है, TRS कॉलेज अध्यक्ष NMCI।